लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर जी ने अपने लोनी स्थित कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में चल रही कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चर्चा की और मीडिया के माध्यम से बताया कि लोनी को भ्रष्टाचार मुक्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसी के तहत भ्रष्ट अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इस सरकार में और पिछली सरकार में नजर नहीं आ रहा आपको खनन के मामले अंतर नजर नहीं आ रहा, टेंडरिंग है, कोई एक रुपए की बेईमानी नहीं है। जो खनन को खनन के जो अपने अधिकारी होते थे या खनन मंत्री होते थे मशीन उसका इतना पैसा कमा लेते थे, इतना पैसा कमा लेते थे कि उनको ये मान लो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला है। और जहां तक बात याद की कल एसडीएम साहब का बयान में पढ़ रहा था, अब किसी ने वर्जन लिया किसी अखबार में, उन्होंने कहा है कि मैं अभी आया हूं इसकी भी जांच कर रही है क्या सिस्टम में लोग अप डाउन तो ये रहेगा, लेकिन हम और आप मैंने कहा ना हम मिलकर भी सुधारेंगे। अपनी सरकार में अन्याय नहीं होगा, फर्जी मुकदमे नहीं लगेंगे, अगर जेनुअन है तो जेल जाएगा। ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन हमने कहा कि पैसा घर में गड़बड़ का नहीं जाएगा, तो मैंने ये कहा था कि गाय के मांस खाने के बराबर अगर नहीं एक पैसा था वो आप पूरे जीवन घूम लेना, कोई कहते भगवान श्री राम को नहीं बख्शा लोगों ने, लोग तो ईसा मसीह को नहीं बख्शा, सूली चढ़ा दिया बाद में पूजा करने लगे, लेकिन हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हमारा एक जनता के लिए पूरी ईमानदारी से हम लगे हुए हैं और ये जो मुद्दे हमने उठाए तो तभी उठाए होंगे हमारा दामन साफ है। अगर हमारा दामन गड़बड़ होता ये आप भी जानते हो, या हम गलत किसी काम में लगे होते तो फिर दम नहीं होता आदमी ना किसी के लिए कहते। अगर खुद आदमी बेईमान है किसी के घर अगर खुद का सेका तो दूसरे घर पत्थर नहीं फेंक सकता, इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए उसकी हमें परवाह नहीं है। इस सरकार में ईमानदारी से काम हो रहा है, अभी किसी ठेकेदार ने गड़बड़ करने का प्रयास किया उसको हमने तुरंत पत्र लिखा है डीएम साहब को, कुछ पत्र तो ऐसे हैं मेरे सबसे ज़्यादा पत्र जो है मुझे नहीं कहना चाहिए, मेरे सबसे ज़्यादा पत्र जो है लखनऊ गाजियाबाद में घूम रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, आप भरोसा रखें क्वालिटी एकदम बढ़िया होगी, जिसने गड़बड़ करिए इतना मान लो कुछ समय बाद बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सब बीमारी में बढ़ते जहाँ जहाँ ये गड़बड़ हुई है बिजली में सड़क में पानी में तो इतना है वो मैं सबूत के साथ बोलता हूँ, इसलिए अभी नहीं बोलूँगा, उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जब हमारे पास पूरा एविडेंस आ जाएगा तो उसमें धमाका होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि लॉन्ग को जो हमने वादा किया था आपसे कि हम लॉन्ग को दिल्ली से सुंदर बनाएंगे, मैंने तो ये कहा था लंदन जैसी लॉन्ग बनाएंगे, सपना था, बड़ी बात आदमी करेगा तो आप तो करेंगे, उसका डिवाइडर है इसके लिए आपको शायद जानकारी नहीं है, डिवाइडर के बीच में लाइट का हमने पास करा दिया है। अपनी जिंदगी से हमने जितने लॉन्ग के स्कूल है कहीं भी है, चाहे वो रामनगर में चाहे उपवाद लोहीपट्टी में या बलराम नगर में, मैंने अपनी दीदी से लगभग 70 लाख का फर्नीचर दिया है कि माने मुख्यमंत्री जी जहाँ की ड्रेस है उत्तर प्रदेश के बच्चे इसकी ड्रेस होमगार्ड की ड्रेस पहना दी किसी बच्चों को, माने मुख्यमंत्री ने इंग्लिश मीडियम की ड्रेस दी और इसके अलावा उसको जूते मौजे सब जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम कर दिए स्कूल का। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए लोनी संवाददाता सचिन विश्वरिया की रिपोर्ट।